नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया का नेक्स्ट टूर साउथ अफ्रीका टूर है, जो कि इंडिया को वहां जाके T20 मैचेस भी खेलने हैं, ODI मैचेस भी खेलने हैं और टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो मतलब टीम जाएगी, जो टीम मतलब उनके कैप्टन वगैरह और प्लेयर्स वगैरह का अनाउंसमेंट हुआ है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट कैप्टन। जो टेस्ट कैप्टन रहेंगे आपके, रोहित शर्मा रहेंगे। अभी उन्होंने और विराट कोहली ने मतलब वाइट बॉल क्रिकेट से मतलब रेस्ट मांगा है BCCI से, या फिर वो जानबूझ के खेलना नहीं चाहते वाइट बॉल क्रिकेट, वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। अगर वही बात करें इंडिया का ODI स्क्वाड का, तो उसमें KL राहुल को कैप्टन बनाया गया है। और अगर वही बात करें इंडिया का जो T20 स्क्वाड है, उसको मैं आपको सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है। अगर टीम की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट स्क्वाड की जो टीम है, तो उसमें आपके रोहित शर्मा कैप्टन है, फिर उसके बाद आपके शुभमन गिल है, फिर यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है टेस्ट में, विराट कोहली है, फिर श्रेयस अय्यर है, ऋतुराज गायकवाड़ है, ईशान किशन आपके मतलब विकेट कीपर, उसके बाद आपके KL राहुल भी एज ए विकेट कीपर, दो विकेट कीपर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑलराउंडर, उसमें आते हैं रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, फिर आपके शार्दुल ठाकुर हो गए आपके, फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आपके मोहम्मद शमी का अभी सस्पेंस है, अभी कहा नहीं जा सकता, बट हाँ अभी सब्जेक्ट उनका फिटनेस, अगर वो फिट हो जाते हैं तो ज़रूर वो अवेलेबल होंगे। और वही बात करें जसप्रीत बुमराह होंगे, और आपके चौथे मतलब लास्ट जो होंगे वो होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब टेस्ट टीम की जो कैप्टनसी है वो रोहित शर्मा को देगी। रोहित शर्मा भी टेस्ट पे फोकस करना चाहते हैं, और जैसे विराट कोहली ने अभी बता ही दिया है कि मैं अभी टेस्ट ही खेलूंगा, तो अभी उनको T20 और ODI में अभी उनको देखा भी नहीं जा सकता। और अगर टेस्ट की बात करें मतलब रोहित शर्मा की बात करें, तो रोहित शर्मा को उम्मीद है कि वो जो T20 वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें वो कैप्टनसी करेंगे। ये रही टेस्ट टीम की बात, और यहाँ रही आपकी इंडिया की स्क्वाड, जो कि ODI टीम के जो कैप्टन रहे हैं आपके, वो रहेंगे आपके KL राहुल एज ए विकेट कीपर कैप्टन खेलेंगे। उसके बाद संजू सैमसन को मौका मिला है ODI में विकेट कीपर। अगर वहीं प्लेयर्स की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है, शाही सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, आपके KL राहुल जो कैप्टन और विकेट कीपर, उसके बाद संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर। मतलब ये टीम आपको लग रही है मतलब पूरी नौजवान टीम है, चाहे आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, शाही सुदर्शन की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, रजत पाटीदार की बात करें, या रिंकू सिंह की बात करें, और श्रेयस अय्यर और संजू, मतलब ये चार पांच प्लेयर जो है मतलब एकदम ही मतलब अभी तक वो ODI वगैरह में इतना खेला नहीं है, बट उनको चांस मिला है, और कैप्टनसी आपको और KL राहुल को दिया गया है चांस, और उम्मीद है KL राहुल अच्छा प्रदर्शन करेंगे ODI में, मतलब ODI के कैप्टन इनको। और अगर वही बात करें T20 स्क्वाड जो, उसका कैप्टन आपको सूर्य कुमार यादव को रखा गया है। और अगर टीम की बात करें तो उसमें आपके यशस्वी जायसवाल रहेंगे, फिर उसके बाद शुभमन गिल, फिर ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन विकेट कीपर रहेंगे, जितेश शर्मा भी विकेट कीपर रहेंगे, रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन चुना गया है, तो वो वाइस कैप्टन है। वहीं आप बात करें बॉलर, तो मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें, तो उसमें आपके वाशिंगटन सुंदर, फिर रवि बिश्नोई, फिर आपके कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चहर। अगर हम T20 और ODI की जो स्क्वाड की बात करें, तो वो एकदम यंगस्टर है, जितने भी प्लेयर्स हैं यंग प्लेयरों को मौका दिया गया है, और इनसे उम्मीद है कि ये बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और अगर वहीं बात करें टेस्ट टीम की, तो टेस्ट टीम हमारी जो मतलब खेल रही है, इसमें भी कुछ यंग प्लेयरों को मौका मिला है, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे आपके ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, तो मिला जुला के टीमें तो अच्छी है। अब परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या होता है और कैसा होता है, और उम्मीद है परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, और जो सीरीज़ है जो साउथ अफ्रीका टूर, वो बेहतर होगा इंडिया के लिए, चाहे T20 की बात करें, ODI की बात करें या टेस्ट की बात करें। तो यही छोटा सा वीडियो था आपका, मतलब अनाउंसमेंट जो हुई है टीम की, तो उसके रिगार्डिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों वगैरह में ज़रूर फैलाइए दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।